तो स्टीफेंस की लड़कियां आती थी बोलती भैया टैंगी भेलपूरी दे दो। अब भैया को पता नहीं टैंगी क्या है, बट भैया समझ गए थोड़ा टाइम बाद। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग और एनिमेटेड ये रोड रही है काफ़ी साल। मेहनत करेगा तो तेरा भी नाम यहाँ पे होगा। दिल्ली is nice, yeah, but very, very strong. I love it. अगर बचपन दिल्ली एनसीआर में बीता हो तो कॉलेज लाइफ का मतलब DU कैंपस, वहाँ के फेस्ट, फन, क्राउड एंड फूड। आई ऑलवेज हैड दैट फैसिनेशन टू लिव द DU लाइफ. So meet my partner in crime Abhinav, who has actually been there and done that. So kitna time hai yaar since you graduated? So it's actually been very long. Matlab I went to Hindu College 2003, passed out 2006. Acha. And I believe you have a legacy of DU. Your father is also a graduate. Yeah, my father is actually from Hindu College. From Hindu itself. Yeah, because he remembers my first year of college as कि इसने बहुत ऐश करी है। वाई? क्योंकि इसके नंबर नहीं आए। तो यू नो दैट वाज हाउ इट वाज। इतनी फ्रीडम मिलती है तो यू लाइक अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट लाइफ इज सच कि मतलब जैसे जैसे यू स्टार्ट गेटिंग बिजी विद योर वर्क तो आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट देन अगेन फूड इज समथिंग दैट मेक्स यू वॉन्ट टू कम बैक। एंड यहाँ पर खाने की जो चीज़ें हैं, बिकॉज 3 साल आपने इतना वो उसको सेवर किया है दैट यू एट टाइम्स फील लाइक यार लेट मी गो बैक अगेन एंड ट्राई दोस थिंग्स। तो दिन की शुरुआत हुई एकदम दिल्ली स्टाइल नाश्ते से, और वो भी ऐसी जगह जहाँ शॉप बाद में खुलती है और लाइन पहले शुरू हो जाती है। दिल्ली की एकदम मस्त बाहर ठंडी हवा और यहाँ इसकी गर्मा गर्म भाप, ये मतलब दिल्ली का फील ही है सर। सही में स्पेशली विंटर्स में चाम ही है दिल्ली का। बट लेकिन पता है इसको लेके बड़े सारे प्रेजुडिसेस भी हैं। मतलब हर एक को लगता है दिल्ली वाला मतलब ये लोग तो डेली छोले भटूरे खाते होंगे, दैट्स लाइक अ साउथ इंडियन जो डेली डोसा खाता होगा, या दिल्ली वाले तो हर एक को बटर चिकन पसंद होगा, या हर कोई बहुत लाउड होगा, हर कोई लड़ने को तैयार होगा। यार ऐसे स्टीरियोटाइप्स बहुत हैं और वही हर जगह को लेके हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मतलब छोले भटूरे इज़ दिल्लीज़ फेवरेट ब्रेकफास्ट। बट एक चीज़ मतलब ऐसा मेरी ऑब्जर्वेशन है, किसी भी सिटी हो, टाउन हो, हिल स्टेशन हो, कहीं पे भी अगर ओरिजिनल फ्लेवर्स ट्राई करने हैं तो देयर आर 3 प्लेसेस. वन इज़ अ लोकल्स होम, किसी रिलेटिव के घर या कि कोई वहाँ के रहने वाले उनके घरों में. दूसरा द एज ओल्ड ढाबाज या एटरीज अराउंड रेलवे स्टेशन, उसके पास जो आपको जगह मिलेंगी ना जगह, वो उनका मतलब एक अलग ही पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है. और तीसरा हुआ कैंपस के पास का खाना, या तो कैंपस की कैंटीन्स या कैंपस के पास का खाना पीना. ये वो जगहें हैं जहाँ पे एक्चुअली यू कैन फ्लेवर वहाँ उस जगह के जायके. तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ कमला नगर को जैसे कॉलेज लिंगो में K-nags बुलाते हैं. अच्छा, K-nags सारे कॉलेज वाले बोलेंगे कि भाई कहाँ जाना, K-nags K-nags. तो ये तो जब हम चले गए कॉलेज से K-nags था, फिर पता लगा लोगों ने छोले भटूरे का भी अकड़ने बना दिया सी बैट्स. Then they started saying K-nags में seabats खाएंगे. And then they took it to another level, G-chaps, gulab jamun. हाँ तो आज का मेरा हैशटैग एटलीस्ट एक अपनी फोटो खिंचवाते हैं जिसमें लगेगा having seabats in K-nags. Yeah, absolutely, absolutely. अरे यार स्टूडेंट लाइफ हो या बैचलरहुड, एक ही ऐसा सेवियर है जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, अपनी प्यारी मैगी. और DU में एक ऐसे अंकल हैं जो 1-2 नहीं 56 टाइप्स की मैगी बना सकते हैं। टॉम अंकल एक्चुअली उनका एक्चुअल नेम है ही नहीं। अच्छा। तो यहाँ जितने अभी अपने व्हेन यू मूव्ड अराउंड तो आपने देखा देयर वर लॉट ऑफ दीज स्मॉल ठेलाज एंड ऑल दैट। तो जनाब ने भी शिकंजवी, चाय उस सब से शुरू किया एंड धीरे धीरे ही मूव्ड इनटू मैगी एंड अदर स्टफ। कॉलेज वालों ने टॉम अंकल नाम दे दिया। तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें मैगी का वो कैंपेन याद है मेरी वाली मैगी? हाँ। तो मुझे लगता है दैट वाज बैंग ऑन यार। मतलब हर एक का जो एसोसिएशन है ना एक मैगी के साथ, मतलब फॉर मी इफ़ यू आस्क मी, ट्यूशन और कोचिंग क्लास के बाद घर पहुंचो तो मम्मी गाजर और मटर डाल के सर्दियों में मैगी बनाती है। मम्मी सो दैट्स योर वर्जन ऑफ मैगी। बहुत लोगों के लिए पहाड़ों वाली मैगी या लेट नाइट कॉलेज वाली मैगी, इट्स बिकम अ फिनोमेना यार। इट्स आई डोंट थिंक इट्स अ फूड, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई डोंट नो इफ यू डिड दिस। कभी आप स्कूल में लंच के लिए मैगी लेके गए हो? तो वो ठंडी हो जाती थी, फिर जब आप उसको निकालो तो इट वाज लाइक अ ब्रिक। एंड जहाँ वो लंच बॉक्स का फॉर्म लेते और जैसे ही वो खुलना और मैगी का स्मेल आना, पीछे से बच्चे इधर इधर इधर। पता है अलग टेस्ट है, which is also good. ऐसा नहीं है कि अरे पराठा ठंडा हो गया है, राजमा ठंडे हो गए, ठंडी का भी एक अलग ही टेस्ट है। दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ने चले जाओ, असली लाइफ के लेसन्स मिलते हैं क्लास के बाहर, जहां चाय से ज़्यादा गर्मा गर्म होती है गॉसिप्स और किस्से। अभी तो दिस इज़ लाइक वेरी नाइसली पेव्ड एंड यू हैव ऑल दीज सीटिंग एरियाज, बट मोस्टली यूज्ड टू बी लाइक दिस बेंच एंड ट्रीज यहाँ पे। तो बस यहाँ से चाय लेनी और दिस इज लाइक अ टिपिकल टी स्टॉल, एकदम चाय का खोखा जो होता है कि चाय मिलेगी आपको एकदम बढ़िया कटिंग टाइप से ग्लासेस में, साथ में आपके वो समोसे ले लो आप, या फिर वो फैन नहीं फैन, हाँ मैं वही बोलने वाला, फैन है अगर आप फैन के फैन हैं तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। एक बार कभी एक इवेंट हुआ सेंट स्टीफेंस में, तो उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिया कि डॉग्स एंड हिंदुआइट्स नॉट अलाउड। तो अब ये कितना सच है पता नहीं, बट ये एक फोकलोर टाइप सा है कि ऐसे लगा दिया कि भाई डॉग्स एंड हिंदुआइट्स नॉट अलाउड। तो अब ऐसे कैसे प्राइड पे बात आ गई, तो देन हिंदू में जब इवेंट हुआ तो फिर हिंदू बिकेम क्रिएटिव एंड दे पुट अ बोर्ड सेइंग कि डॉग्स अलाउड बट स्टीफेनियंस नॉट अलाउड। सो दैट वाज देयर कमबैक। बट ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फोकलोर है जो यहाँ के बारे में सुनने को, कितना सच है नोबडी नोस। तो स्टीफेंस की लड़कियाँ आती थी, बोलती भैया टैंगी भेलपूरी दे दो, और भैया को पता नहीं टैंगी क्या है, बट भैया समझ गए थोड़ा टाइम बाद। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग और एनिमेटेड ये रोड रही है काफ़ी साल। अगर दिल्ली के स्टेपल फूड की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें एक लौती नॉन नॉर्थ इंडियन डिश होगी मोमोज, एंड दैट टू विद अ स्पेशल दिल्ली टच। व्हेन दिस रेस्टोरेंट इन कमला नगर QD's स्टार्टेड ऑफ एंड कॉलेज में पॉपुलर बात फैली कि यार तुमने तंदूरी मोमोज ट्राई करे हैं, तुमने कहा व्हाट हेल इज तंदूरी मोमोज, लाइक इट्स वेरी क्रिएटिव राइट। कहाँ तुम स्टीम्ड और फ्राइड मोमोज विद लाल चटनी यू हैविंग, एंड नाउ यू हैव दिस ऑरेंज लुकिंग मोमोज कमिंग आउट ऑफ द अवन तंदूर से एंड हरी चटनी के साथ सर्व हो रहे हैं। सो इट इज़ वेरी नॉवल एंड सुपर पॉपुलर। लाइक आई थिंक राइट नाउ आप कहीं भी रेस्टोरेंट में अगर मोमोज खा रहे हो यू विल फाइंड तंदूरी मोमोज देयर। एंड आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, हम लोग जब बैंगलोर में थे so you were the first person who actually introduced me to the concept of tandoori momos. मेरे लिए momos were हमेशा the white momos with red chutney. Yeah. और मुझे तब तक idea आया, मतलब I never even knew कि how they look like. And the moment I moved to Gurgaon, yeah. पहली dish जो मैंने बाहर try की एकदम street food was tandoori momos. And since then I've been a fan. It's a perfect evening kind of a snack for any Delhi person to have in this weather. Perfect है, टूट पड़े तो ज़रा, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली नोश फरमाएं। आज का एक्सपीरियंस जितना एक्साइटिंग और फन था, शायद उतना ही नॉस्टैल्जिक भी। and exploring these colors and tastes of life in and around DU is truly one of the great charms of Delhi. अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो पता तो होगा ही क्या करना है. And until we meet, work, earn, travel, repeat. इसमें eat नहीं है. अबे eat कहाँ से है? मेरे चैनल का नाम नहीं पता तुझे. Eat तो होना चाहिए.